नाजरीन एन 135 में हम लोग मौजूद हैं। अभी ये पीपी 161 है जहाँ पे मलिक नदीम अब्बास जो कामयाब हुए थे उन्होंने बाहर यहाँ पर उनका डेरा है। एक सोसाइटी के अंदर मैं मौजूद हूँ और लोगों की यहाँ पे लोगों से गुफ्तगू करूँगा, राय शामिल करूँगा। बाहर यहाँ पे डेरा जहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी उनकी, जहाँ पे पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, खासी तनकीद की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे इस मामले में कि जीत पे खुशी भी इतनी ज़्यादा फायरिंग क्यों की आखिर। लोगों से हम गुफ्तगू करते हैं, शामिल करते हैं उनके तासरात, क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला लें साहब, कैसे हैं आप? वोट किसे दिया था आपने? वोट बस कुछ बातें होती हैं वो नहीं बताई जाती। ऐसी बात है, नहीं बताने वाली। चले मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट तरीके इंसाफ की है, क्या उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है कि उनसे अल्लाह बेहतर करे, हम तो यही कहेंगे। आपके इलाके गवर्नमेंट जो भी आए काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। आपके इलाके के कौन से मसाइल जो हल होने वाले हैं? हमारे इलाके के मसाइल काफ़ी हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, सफाई का मसला है और भी अगर बाहर आप मेन पे चले जाए तो तजावजात बढ़ जाते हैं। तजावजात बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई मैसेज देंगे आने वाली गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट को? मैसेज यही है कि अच्छा काम करें तो इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट टाइम भी आ जाए। अच्छा, वैसे आप चले बता ही दें, सपोर्ट किसे करते हैं आप? सपोर्ट हम मैंने आपको पहले बात चाहिए जो अच्छा है। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सपोर्ट ये करेंगे उसको। वोट का इन्होंने नहीं बताया कि वोट किसे दिया था। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे कुछ तो करते हैं। बच्चों पीछे हो तो यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मजन क्या हाल है? हाथ मिलाए, क्या हाल है, ठीक ठाक है? क्या गुफ्तगू चल रही है? हेलीकॉप्टर की बड़ी गुफ्तगू चल रही है। वज़ीर आला पंजाब साहब के हेलीकॉप्टर के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल, तो उसकी गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू कर रहे थे आप? अच्छा कर रहे हैं कि अब हर जगह पे हेलीकॉप्टर चलेगा और मेरा ख्याल है कि भी 30 रुपये अगर या 50 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है तो जब हम भी गाँव जाएंगे तो अल्लाह करे हम भी ले जाएंगे हेलीकॉप्टर। आप ये बताएं कि वोट किसे दिया था आपने? वोट तो हमने तो नून लीग को दिया था। नून लीग को वोट दिया था? यहाँ से नून लीग वाले क्यों आ रहे सैफुल मुल्क होकर साहब? ये वो उनकी अपनी कोई गलतियाँ थी नून लीग वालों की। काम शाम नहीं कराए आपने? नहीं, काम शाम तो काफी कराए हैं लेकिन वो असल में सारी टिकटें उन्होंने अपने घर में रख ली। अच्छा, इसी वजह से वो थोड़ी सी, ये हल्के दोनों ही ऐसे हैं ना, 35 भी 36 भी के खोखरों के अंदर मुकाबले। हाँ, तकरीबन। अच्छा, बताएं क्या उम्मीद है आने वाली नई गवर्नमेंट की? अभी तक तो फिलहाल मायूस हो गए हैं ये हेलीकॉप्टर की बात सुनकर। बाकी एकदम आज पहले की है, यूएन का मामला है, प्रोटोकॉल उसमें का मामला है। नहीं, वो तो सारी बातें तो उनकी बहुत अच्छी हैं, बातें तो बातों के लिए तो उनको वोट मिला है एकदम आज, लेकिन वो जब करेंगे तो फिर है। अगर अच्छे काम कर देते हैं तो फिर हम भी वोट उनको दे देंगे। सपोर्टर हम नून लीग के हैं, लिहाजा जो हेलीकॉप्टर की बात आप कर रहे हैं ना, वो ये है कि एक वजीर आला शहबाज शरीफ जो है जब जाती उमरा जाता था तो एयरपोर्ट से लेकर जाती उमरा ब्लॉक हो जाता था पूरा रोड, ठीक है, जाता इस पे था हेलीकॉप्टर पे, जमीन का रोड ब्लॉक कर देता था, ठीक है ना। वो तो लोगों को समझ नहीं आ रही, ये मेट्रो करोड़ों रुपए लगा के जाया कर दिया है, ये लाहौर में कर ये पावर प्लांट लगा के बिजली दे देता, फ्री पानी दे देते, ठीक है ना। ये बात तो हो गई, अगर एक बंदा एक वजीर आला है वो पुलिस की एम्बुलेंस में बैठ के नहीं जाएगा या पुलिस की जो मोबाइल गाड़ी उसमें तो बैठ के नहीं जाएगा, तो चार गाड़ी उसके पास होगी सही, ठीक है जी, तो एक दो एम्बुलेंस होगी, ठीक है, और तीन चार वैसे होगी। अब ये बताएं कि अगर अच्छे काम करते हैं ये नून लीग वाले 50 गाड़ी लेके तो गया नहीं जो प्रोपेगंडा शुरू हो गया, लेकिन है मैं नून लीग का फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन गलत प्रोपेगंडा किसी को मौका ना देना ये गलत बात है, ठीक है जी। नून लीग के भाई लेकिन कह रहे हैं कि जी वजीर आला साहब का हक है क्योंकि वो रोड पे बजाए इसके कि रोड पे जाते वो अपने साथ प्रोटोकॉल लेके जाते, सिक्योरिटी लेके जाते, तो वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती, पासदाउन का काम था, तो उनका हक बनता था कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते। बहुत शुक्रिया आपका जी। नून लीग के ये वोटर हैं लेकिन अच्छी बात इन्होंने की कि जी गलत तनकीद नहीं करनी चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने चल रहे हो तुम? जान नहीं देना सर, क्यों वोट पाया क्यों? बस इतने नहीं पाया वोट, क्यों नहीं पाया, पाना चाहिए थे ना वोट, बस नहीं गया जाना। चलो नई हुकूमत आ गई, नवा वजीर आजम है, कोई उम्मीद है चंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, वोट नहीं पाया लेकिन उम्मीद है। किसको वोट दिया था? ये मैंने नून लीग को दिया। नून लीग को वोट दिया था? नून लीग यहाँ से हार गई जी, क्यों हारी? बस क्या पता क्यों हारी, काम कराए थे नून लीग वालों ने यहाँ पे? काम तो नून लीग ने कराया, बाकी किसी ने काम तो कोई नहीं करवाया। अच्छा, आप इससे उम्मीद है इमरान खान से? मैं तो नहीं है, सीधी सी बात है, तो शुरू से नून लीग आदमी है। अच्छा, अगर शुरू से आप नून लीग के हैं, अगर ये काम कर देते हैं अच्छे फिर कर देना, फिर ज़ारा साहब उनको अच्छा ही कहेंगे। आप सपोर्ट करेंगे फिर? क्यों नहीं करेंगे, वोट भी अगर तो ये काम करते हैं तो फिर ये सपोर्ट करेंगे। हमारे सामने कुछ दुकान है एक, सामने ठीक ठाक है, नान सर खरीदने आए जी सर। क्या बना घर पे? कुछ भी नहीं, अभी बना कुछ भी नहीं, खुद बनाना है आपने? हाँ जी।
क्यों यहाँ पे मतलब अकेले रहते हैं आप? अकेले रहते हैं। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पेशावर से। पेशावर से किसको वोट दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को अब क्या उम्मीद है पीटीआई से? इंशाल्लाह काफी बेहतरी आई है और भी काफी चेंजेस आएगी बेहतरी इंशाल्लाह। अगर ना ही बेहतरी फिर बस आखिरी उम्मीद है इमरान खान, इसने भी कुछ ना किया तो बाकी इमरान खान साहब आखिरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। वोट दिया था आपने? नहीं नहीं दे सके, गांव में वोट था, इधर थे वो उन्होंने। तो ये कितनी अच्छी बात होती है, आप एक दिन की छुट्टी छुट्टी तो थी बल्कि आप जाते गांव और सुबह सुबह वोट देते। मसला ये था कि ये इमरान खान की पार्टी के बंदा, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गाड़ी आएगी आपको ले जाएगी। धोखा दे दिया उन्होंने आपको? उन्होंने हमें धोखा दे दिया, हम उनके इंतजार में रहे, इस वजह से हम खुद भी नहीं जा सके। बस चले, आप मुझे ये बताएं कि इसके इससे जाहिर होगा कि आप वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। अब तक के लिए जितने भी आयाम चले हैं, जितने भी दिन गुजर गए हैं हुकूमत के, कैसे कम आ रहा है इमरान खान की हुकूमत? अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा, अब 100 दिन का जो पैकेज उन्होंने बनाया है उसके बाद पता चलेगा कि क्या इन्होंने किया है क्या नहीं किया। अगर नहीं कर पाते ये फिर यही है कि नाकामी है इनकी। असल में ये इसमें हुकूमत चलाना आसान काम नहीं है। ठीक है जी, हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं है। अब 100 दिन का प्लान दिया है तो देखिए इमरान खान साहब 100 दिन के अंदर क्या करते हैं, तब्दीली ला पाते हैं या महज ये बातें उनकी बातें ही होंगी। भैया ठीक है। हाँ जी, क्या आवारागर्दी कर रहे हैं? नहीं आवारागर्दी नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ मार्केट में सामान लेने हैं। सामान लेने हैं। वोट किसे दिया था? वोट दे दिया जिसको देना था। अब तो अक्वात है, बस ऐसे ना करें। अब नहीं नहीं नहीं, अब सिर्फ वोट तवक्कुआत है। इसका मतलब है वोट दिया तरीके इंसाफ को? नहीं, मैंने पकड़ लिया। बात ये है कि जो वादे किए गए हैं हुक्मरानों ने हमसे किए हैं, अब वो पूरे होने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। इसमें मेन मसला तो सबसे ज्यादा पानी का है, एजुकेशन का है। अच्छा, आपके हल्के का क्या मसला है ये बताएं सबसे पहले। हमारे हल्के का मसला ये है कि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन शुरू की गई है जो कि अब इलेक्शन से पहले उसका काम रुक गया हुआ है। इंक्रोचमेंट का मसला है कि जो जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे हर जगह पे दुकानों के आगे रश है, पार्किंग प्रॉपर नहीं है। हम भी हो गए हैं अभी, बड़ा बुरा हालात। पार्किंग अगर प्रॉपर हो तो मेन रोड पे कोई। चलिए, आपने वो वोट तो आपने नहीं बताया मुझे, लेकिन आप गवर्नमेंट को मैसेज दे दें कि कितनी देर में ये आपके मसाइल हल हों। मैसेज तो मेरा गवर्नमेंट को यही है कि जो वादे किए गए हैं, अब उनको बेहतर पता है कि उन्होंने कौन से वादे किए और उन्होंने पूरे भी करने हैं। सबको ही पता है बल्कि इमरान खान ने कितने वादे किए हैं कितने सालों। लेकिन जो सबसे पहले ये कह रहे थे कि जी हमने बोझ नहीं डालना हुकूमती खजाने को, लेकिन वो चीज़ जो है ना, अब वो 50 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर फिर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 70 में भेज दूँ और हेलीकॉप्टर ले लूँ, क्योंकि माइलेज दोनों की एक है। हेलीकॉप्टर खरीदना बड़ा मुश्किल है, खरीद लेंगे। ये मसला है बस आ रहा, वरना किलोमीटर तो दोनों एक ही कर रहे हैं। चरणजीत खान साहब, जारी बात है आप अवामी नुमाइंदे हैं, अब आप तो आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो आपने अपने वज़ीरों को भी ज़रा ख्याल करें। भाई क्या हाल है आपको, है उम्मीद कि आप भी कहेंगे कि कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद तो नहीं है। नहीं है, वही गल हुई ना, कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, क्यों उम्मीद नहीं है वैसे आपको? क्योंकि जो अभी वादे किए थे स्टार्ट में वो भी अभी फुलफिल नहीं हुए कि मैं सादगी अपनाऊंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। वो हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं, वो जो 55 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फवाद चौधरी ने कहा वो चलता है, तो किस तरह वो करेंगे? अब वो हेलीकॉप्टर से बनीगाला से पीएम हाउस से बनीगाला सेक्रेटरी है। फवाद चौधरी साहब, आपने आवाम को बड़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया है, तो ज़रा ये कन्फ्यूजन जो है इसको दूर करें आप, और ज़रा हिसाब भी एक दफ़ा दे देंगे किस तरह ये पैसे बनते हैं। अच्छा आगे बताएं, अगर अच्छे काम कर देते हैं आफ्टर 100 डेज हम देखते हैं कि बड़ी तब्दीली आ जाती है कुछ, या सही ट्रैक पे गामजन हो जाती है मैशद आपकी, फिर ट्रैक पे इमरान खान से तो कहा जा सकता है कि वो शायद कुछ कर लें, लेकिन नीचे जो सारी टीम है वो तो सारी करप्ट है। तो इमरान खान काम कराएगा नहीं उनसे? इमरान खान की वो बेचारे कि वो खुद ही उसको बेवकूफ बनाया हुआ है। इमरान खान साहब, आपको बेवकूफ बनाया तो देखते हैं आप कितना बेवकूफ बनते हैं अपने मुजरा के हाथों। भाई क्या हाल है आपको, है उम्मीद? उम्मीद है तो मैंने वोट डाला था पीटीआई को। अच्छा, तो ये जो बातें कर रहे हैं जी, वो पेट्रोल वाली, वो हेलीकॉप्टर वाली, उस पर क्या कहेंगे आप? बातें तो नजर आ रही हैं, क्या कहा जा सकता है? जो गलत एग्जाम जो गलत है वो गलत है, पहले कहे ही ना, मतलब एक वो चेंज की हवा सुनते रहे हम, भैया चेंज आएगा, हम सादगी अपनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं वो मैदान। माजरत के साथ अगर चेंज की बात करते हैं तो यही चीजें पहले करते रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से बात करें, सारा हेलीकॉप्टर वो भी इस्तेमाल करते रहते हैं। इस बात में हम नहीं पढ़ते हैं कि उनका हक है या हक नहीं है, लेकिन जब आपने बात की तब्दीली की तो तब्दीली नजर आनी चाहिए थी। अगर आपने चूंकि वोट दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, अगर 100 दिन का प्लान का कामयाब नहीं होता, फिर
देखें दो दिन को भी छोड़ते हैं हम 5 सालों की बात करते हैं। बात करता हूँ पीटीआई को जो वोट पड़ा ना वो पड़ा ही चांस का है, तो चांस की चीजें चलनी यार, एक चांस इस बंदे को देना चाहिए। अगर ये नहीं डिलीवर कर सकेगा तो नेक्स्ट पे हमारे पास वही लोग हैं, वही नून लीग है, वही ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। फिर वापस आ जाएंगे जनाब, इतनी मेहनत से आपने निकाला है, मुझे क्यों निकाला मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल आप बताएंगे। देखें मैं अगर बात करूँ कि अगर तो आप सुनना चाहते हैं कि फैक्ट क्या है, तो देखें फैक्ट ये है कि हमारी आवाम का ये अलमिया रहा है कि हम हमेशा जो गुजर जाता है ना उसे पहले से बेहतर कहते हैं। जैसे कि मैं जरदारी दौर की बात करूं, जरदारी का जब टाइम चल रहा था हर बंदा कहता था जरदारी से बड़ा चोर कोई नहीं है। उसके बाद नून लीग आ जाती है, नून लीग आपके बड़े लगन मिले तीन से चार साल जो है वो हुकूमत करती है, तो यही अवाम जो 18 करोड़ अवाम है जिसने नवाज शरीफ को लाया, यही कहते हैं जी जरदारी जो है इनसे अब फार बेटर देन जो है ना नवाज शरीफ। हमें ये सुनने को मिला और ये आपने हमसे ज़्यादा सुना होगा। और अब यही बात है, अभी इमरान खान को हुकूमत में आए कितने दिन हुए, हार्डली हफ्ता डेढ़ हफ्ता। अब डेढ़ हफ्ते में ये क्या तब्दीली चाहते हैं, ये डेढ़ हफ्ते में क्या तब्दीली चाहते हैं, ये हुक्मरानों से तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली जस्ट एक नारा है जिसे आप कहते हो कि तब्दीली एक आवाज़ है। इस तब्दीली का मतलब क्या है, इस तब्दीली का मतलब है हमने खुद को तब्दील करना है। बिल्कुल, आप कहते हैं जी जो पार्लियामेंट के अंदर चेहरे बैठे हैं वही बैठे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आपने अपने आप को तब्दील क्या किया। देखें मैं इस बात में भी अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन में अभी जो आपने देखा होगा कि RMS बना उसकी हेल्प डेस्क में, मतलब मैं जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, कि अगर हम सरकारी मुलाजमी नहीं कम से कम अपनी जो 8 घंटे ड्यूटी है ना वो पूरी कर लें, इससे बड़ी तब्दीली और कोई नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि अपना जो आपका हक है उसको अदा करें। और इसी तरह ही होता है कि सरकारी मुलाजमी नहीं बल्कि प्राइवेट भी जो कई लोग इस तरह के हैं कि अपना 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है उसको भी पूरा नहीं करते, तो अगर आप ड्यूटी चाहते हैं वाकई तो अपना हक अदा करना सीखें। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की सामने को। आपने कैसे किया था वो? मैंने वोट PTI को। PTI को क्या उम्मीद है PTI से? उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करेंगे। हाँ। पाकिस्तान से जो उनका नारा था करप्शन खत्म करेंगे, गरीब आदमी तक इंसाफ पहुंचेगा, क्योंकि नाम उन्होंने तरीके इंसाफ रखा है, तो 22 साल यही कहा कि लोगों को इंसाफ मिलेगा और करप्शन खत्म होगा। अच्छा अब ये पहले महीने की अगर कारकर्दगी हम देख लें तो कैबिनेट मीटिंग्स भी हो रही हैं और इकदाम भी हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि अच्छी तरह उस सिमत पे हम चलें, तो इस तरह किस तरह देखते हैं आप पहले महीने के इकदाम को? मेरे ख्याल में जो है ना इसमें क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा इन्होंने पहले बार समझना है उसको, समझने में टाइम लगना है, लेकिन कुछ ऐसे काम हुए हैं जैसे ये अभी ये वाकया हुआ है, वाकया हाँ। हो गया है या वो अपने DPO वाला वाकया हो गया, वाला मतलब ये जो ऐसे वाकयात हैं इनको फौरी तौर पे इनको देखना चाहिए, ठीक है, इनको ख़त्म होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होने चाहिए क्योंकि अवाम में पता है। मुझे ये बताएं कि अगर इनको टाइम भी दे देते हैं और टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तब्दीलियाँ नहीं आती हैं, फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट वोट किसका होगा? सर हमारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, काम फिर वोट नहीं है। अरे जी बहुत बात कर दी है, बड़ी बात कर दी है कि फिर ऑप्शन ये बच जाएगा कि वोट किसी को देंगे ही नहीं क्योंकि सारे आजमा चुके होंगे। तो खान साहब आपने इनका मान नहीं तोड़ना। भाई क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है ठीक है, आप सुनाओ। ठीक हो? वोट दिया था जी। किसको? इमरान खान। क्यों वोट दिया इमरान खान को? तब्दीली आएगा इंशाल्लाह। तब्दीली आएगा, अगर ना आया फिर आएगा इंशाल्लाह, जरूर जरूर आएगा, इनको यकीन है जी तब्दीली जरूर आएगा। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वोट दिया था? नहीं। क्यों? वैसे क्यों? सब काम किसी ने नहीं करना यार, आप वोट ट्राई तो करें। पहला वोट तो मेरे ख्याल से आपका। हाँ जी, तो आपको देना चाहिए था वोट। नहीं, आपको भी बेहतर नहीं लगता अभी भी? नहीं। इमरान खान साहब भी बेहतर नहीं लगते? कुछ नहीं। तो जी इन्होंने बिल्कुल होते ही खुद छोड़ता है। भाई आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी सर। वोट दिया था? जी सर दिया था, PTI को दिया था। ये दोस्त हैं आपके? हाँ जी। ये आपने भी समझाया नहीं इसको यार, किसी को तो वोट दे चाहे PTI को ना वोट दे। देखें हम डेमोक्रेसी में उसकी मर्जी है, वो देना चाहता है कि नहीं, मैं उसको मजबूर देना तो चाहिए ना, वो उसकी मर्जी है। तो करना चाहिए अगर उसको लगता है कि ये बेहतरी लेके आएगा तो वो देगा, अगर उसके हल्के से बंदा ही ऐसा करता है सर। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हर बंदे को चांस देना चाहिए, अब वो एक नया बंदा बाकी सब कम ने आजमाया हुआ है तो उसको चांस दिया है, देखें क्या करते हैं। इमरान खान साहब देखें यूथ ने आपको आजमाया है तो देखें अब आप क्या करते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने वोट दिया था? हाँ जी सर। किसको? PTI को। PTI क्यों वोट दिया? क्योंकि जो है ना इंसान को सोच चेंज होनी चाहिए। पहले जितने भी थे उन्हें आजमाया है,
अब जो आ रहे हैं ना पीटीआई के, जैसे वो बातें कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा बेहतर करेंगे। अगर ना किया उसने अच्छा फिर तो फिर कुछ और सोचेंगे। आपने किया वोट जी? किसको? पीटीआई। क्यों किया वोट पीटीआई को? सर चेंज जरूरी था। चेंज जरूरी था। लोग कहते हैं कि जी हमें इलेक्शन करवा दिया जान के नून लीग वालों को। नहीं नहीं, इलेक्शन लोग चेंज देखना चाहते थे, लोगों ने चेंज देखना चाहते थे। अब क्या उम्मीद है आपको इमरान खान साहब? इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर बेहतर ना किया तो इनको भी लोग हटा देंगे। नहीं जी, बॉटम लाइन ये है कि अगर इमरान खान साहब जिनको तब्दीली की बुनियाद पे वोट पड़ा, अगर वोट की इज्जत नहीं करते और तब्दीली सही मानों में नहीं लेके आते, तो बॉटम लाइन ये है कि फिर चेंज आ जाएगा। नाजरीन, एन ए 135 के हल्के में आज हम मौजूद थे। हमने हल्के के मसाइल से आपको आगाह किया। तजावजात का एक बड़ा मसला है, सफाई सुथराई, तालीम, इसके अलावा सेहत, ये तमाम मसाइल हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से जीतने वाले कैंडिडेट मलिक करामत अली खोकर साहब के हिस्से में चूँकि कामयाबी आई है, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह से वो अब इस हल्के की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। ज़्यादा आवाम की उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चाहे वो वोटर्स जिस पार्टी के मर्जी हों, सबकी राय यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दीली का एक वोट मिला है और इमरान खान साहब को चांस देना चाहिए था। अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि ये गोल्डन चांस को अवेल करते हैं या ज़ाया करते हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।